त्रिभुवन नाश्ता ही किया यार सुबह खा गया तूने सुबह सुबह उठे खैर अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फहद है और मेरे साथ हैं हसन फारूक और ये जो हमने एक शो स्टार्ट किया बेसिकली इसमें कोई सीरियस टॉपिक नहीं होगा, ये कोई फॉर्मल टॉक शो नहीं है। वैसे ही हमने फैसला किया है कि शो है मतलब कुछ और भी हो सकता है। क्या कहूँ इसको मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि ये मैंने इंट्रो आपका ख़राब कर दिया, मगर आप अभी तो पहली वीडियो है मेरे ख्याल से भी 150-150 बंदे जो आएंगे। एक तो पहली बात आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने का, और दूसरा ये कि आप सारों के साथ हम वाकिफ ही होंगे, हमारे दोस्त होंगे ऐसे ही और फैमिली होगी। तो आपको पता है कि हमने ये शो फॉर्मेट और ये चीज़ हमने काफ़ी दफ़ा ट्राई की है। स्टार्ट किया था हमने चौक टॉक से 2014 में, हम बताते थे वाइन छोटी छोटी, हमने कहा था 17 या 16 में स्टार्ट किया, 16 होगा 16 में, तो मतलब 16 में तो एनॉर्ड 5 years कह लो। और तब से फिर हम आहिस्ता आहिस्ता हमने चौक टॉक शुरू किया और हमने जो है उसके बाद वो उसकी 2-3 एपिसोड्स रही। फिर एक 2017 में मुझे याद है मुझे ईट मसाला वाली चीज चबी बनी चैलेंज जो था, वो चैलेंजेस थे, चैलेंजेस टाइप में वो क्विजेस और शॉर्ट गेम्स, एग्जैक्टली गेम्स वगैरह टाइप वो हमने की। और वो करने के बाद फिर मैंने एक दफ़ा अपना पूरा कमरा सही मतलब वो ऊपर मेरे घर में ना एक कमरा है, तो वो ये था कि वो मतलब गेस्ट रूम स्लैश पता नहीं क्या उसे कहेंगे, वो बस ना एक मतलब कमरा है स्पेयर रूम, एक स्पेयर रूम था, स्पेयर रूम तो काफ़ी बड़ा सा था उस तरह। तो मैंने वो ना फिर सही उसे ना प्रॉपर रेनोवेट टाइप के मैंने हाथों से उसकी दीवारें पेंट की और पूरा बस एक ना एक कॉर्नर था एक कमरे का जिस तरह आपको पीछे कॉर्नर नजर आ रहा है, तो इसको मैंने प्रॉपर पेंट किया और सही वो सेट किया। याद है वो मतलब तुम साथ ही साथ किया था साथ। तो वो करने के बाद फिर हमने 2-3 एपिसोड उस पे भी शूट की। मुझे याद है पेंट के दौरान मेरे जूते पे पेंट कर देते, याद है मैं भूल चुका था, भूल चुका मैं कह रहा यार बाबा कहते हैं ये क्या है, बनी मुझे मामा ने कहा कहते हैं ये क्या है, मैंने कहा वो तो स्प्रे पेंट हुआ है, एक होता ग्रे एक सिल्वर नहीं पर अच्छा तो लगा हमने पूरा किया था वो याद है मुझे, हमने तो पूरा कर दिया था, पेंट कर दिया था मैंने, वैसे उसके लिए अपोलोजाइज किया नहीं नहीं है वो मतलब नहीं 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 किया उसने बोला मम्मा मैं वो नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि वो फिट लग रहा था। तो एनीवे तो वो हमने प्रॉपर सेटअप बना के हुआ वो, फिर हमने 2-3 एपिसोड उस पर शूट की, मगर वही वो जिंदगी का एक जो अनफेयर सा खेल जिसे हम कह सकते हैं कि मतलब जब हमने स्टार्ट किया तो हम लोग ओ लेवल्स में मतलब मैं था और फहद मैट्रिक में था और वो एज हाई स्कूल वाली जो होती है, और करते करते हमेशा कोई बिजी हो जाए, कोई काम किसी को पड़ जाए और फिर भूल जाए हम लोग। लेकिन अब जैसे तू मेरे ख्याल से बताना चाहेगा कि तू अभी क्या कर रहा है जिंदगी में, मतलब अगर हम एज अ कंपेयर करें उस टाइम को इस टाइम में, तो उस टाइम पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं थी, कोई मतलब कोई मेन कोई बंदा कहता ना कोई काम नहीं होता था कि प्रॉपर करना है, लेकिन फिर भी हम बोल देते थे बनाना। Exactly, दो एपिसोड्स बनाई फुल जुनून में भाई लोग देखेंगे पागल हो जाएंगे लोग क्या पता और फिर हम खुद ही भूल जाते थे कि हमने बनानी है। कॉल की यार अच्छा कल का सीन है ठीक है, कल अगर इसकी कॉल से पहले किसी और कॉल आ गई मैं वहाँ पर चला गया ठीक है, तो सीन मिस हो जाता था। तो अभी अगर कंपेयर किया जाए तो अभी रूटीन बहुत टफ है, मैं ऑलमोस्ट अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वाला हूँ। फहद एक मतलब मीडिया स्टूडेंट है और मैथ्स कॉम कर रहे मतलब माशाल्लाह से, और ये है कि मैं जो हूँ अपने सेकंड ईयर में हूँ लॉ में, और उस जमाने से देखा जाए वो ओ लेवल्स और मैट्रिक और वो स्कूल टाइम और उसके बाद आज, एक चीज मेरे ख्याल में मतलब जो वेट कैरी करती है वो ये है कि मतलब तू वो मीडिया में ठीक है, मैं लॉ में हूँ, कम्प्लीटली डिफरेंट दुनिया है, लेकिन हम दोनों में हमारी बहुत लंबी और पुरानी दोस्ती के अलावा एक चीज कॉमन ये मतलब कोई नहीं वो सेंसर कर देंगे आपने जो भी नहीं सुना ना वो एक डर्टी वर्ड था, हम में जो कॉमन चीज़ ये है कि हम दोनों एक पैशन होल्ड करते हैं इस चीज़ के लिए, वीडियो मेकिंग के लिए, और फहद तो इसको ज़ाहिर प्रोफेशनली परसू भी कर रहे हैं, लेकिन ब्लिंक क्यों कर रहा है
ठीक हो गया भाई, मैं डर गया था, मैंने रिकॉर्डिंग बंद करने वाली है, मैंने तो मुझे शुरू ही नहीं किया इतना। ओए यार नागिन इतना अच्छा आपने किसी से नहीं नहीं, अब ये सारा वीडियो में जाएगा और देख रहे होंगे कि क्या करे तो मेरे तरह बड़ा जो मुंह गया। खैर तो मैं क्या बात कर रहा था कि हम दोनों कितनी मुख्तलिफ वो है फील्ड्स है, लेकिन हम दोनों में एक कॉमन चीज के पैशन फॉर वीडियो मेकिंग और बात प्रोफेशनली परस्यू कर रहे हैं। और मेरा ये कि मैं एज अ साइड चीज हमेशा इस चीज को ना बहुत एक किस्म का डिवोटेड हूँ। ये अच्छा मजे की बात बताए, 4th January बेसिकली हम लोग, बाय द वे हम कहना भूल गए, हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन हु इज वाचिंग। अभी नहीं आना और घर में अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो, सॉरी अल्लाह हाफिज। अभी अभी वीडियो में हमने एक्चुअली डिसाइड किया कि हम ना कट्स नहीं करेंगे, कट्स नहीं करेंगे। ये बात की बेबी सिस्टर थी और उसने दरवाजा खुला के चीख, मतलब ये अर्ली मॉर्निंग है इस टाइम पे, मैं तो बिल्कुल ही नहीं उठा होता ना, मतलब सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं क्या बात करे अपनी, मतलब मैं मैं तो सो रहा होता हूं, बल्कि मैं अभी जाकर तैयारी कर रहा हूं। ये रिकॉर्ड ब्रेकर है, मतलब अगर आपने नींद का कंपटीशन लगाना है ना, ये बंदा स्ट्रेट 14-21 आवर्स सो सकता है, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ इस बात की ऑन अ गुड डे। लेकिन अच्छा बात हम ये कर रहे थे कि हैप्पी न्यू ईयर, हम लोग ये एक्चुअली रिकॉर्ड कर रहे हैं न्यू ईयर से पहले, हम एक्चुअली क्रिसमस है आज, तो बल्कि मेरी क्रिसमस जो भी जिन्होंने मनाया, तो हम ये क्रिसमस पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। हमने ये सोचा था कि यार हम ये चीज़ करते हैं, हम ये अपलोड करना शुरू करते 2021 से। तो अब मैं और फहद, अब कोई पता नहीं है, क्या पता उसी तरह हो कि 2-3 वीडियोस लगा के हम भूल गए, लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो हमारा एक किस्म का गोल ये है कि हम कितनी दो मतलब एपिसोड्स, दो एपिसोड्स, दो एपिसोड वीक, हाँ एग्जैक्टली पर वीक, और ये हमने करना है पूरा साल 2021 में, पूरा साल आपको हम ये अपनी फजूलियात पहुँचाते रहेंगे जो भी बात करनी हुई, लेकिन हमने कुछ रूल्स भी इनफॉर्मल से तय किए थे, बिल्कुल ऐसे ही कि क्या हमने बात नहीं करनी, याद है? यस, वो बेसिकली ये है कि हम पॉलिटिक्स को बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे, पॉलिटिक्स नहीं आएगी, सीरियस कंटेंट्स बिल्कुल भी नहीं, कोई इंसिडेंट हो गया नहीं, न्यूज बिल्कुल भी नहीं, और मतलब नवाज शरीफ, जरदारी, इमरान खान, आमिर लियाकत और ताहिर शाह, ये हमारा चलो पहला रूल है इस शो का, ये 5 बंदे हमने आज तक आज हमने ये डिस्कस नहीं करने, कौन? इमरान खान, नवाज शरीफ, जरदारी, आमिर लियाकत और हमने बड़ा इनफॉर्मल से रखना है। और आई थिंक इंट्रो काफी ज्यादा हो चुका है, अब आप हमें बताएं क्या हम आज क्या करने वाले। एक चीज रहेगी छोटी सी इंट्रो में, ये है कि बेसिकली ये जो शो है, या मतलब अगर इसको हमने कोई भी नाम नहीं दिया कोई स्पेसिफिक कि हमने मतलब ये शो ही है कि नहीं, लेकिन ये कि बेसिकली ये बोलिए मैं कहना कि चाहता हाँ याद है कि मतलब हम लोग बेसिकली मोस्टली मंडे और फ्राइडेज को अपलोड किया करेंगे अपने एपिसोड, तो फ्राइडे को वीकेंड स्टार्ट होता है, तो इफ़ यू वांट टू स्पेंड योर टाइम ऑन वॉचिंग समथिंग, मतलब दिल कुछ नहीं कर रहा आपने, मतलब कुछ देखना है आपने, तो टाइम पास करना है, हम ये तो कोशिश करें कि एक किस्म की ना एक रूटीनली सी चीज हो, कि आप हो सकता है कि आप ये वीडियो देख रहे हो तो सुबह हो और आपने अभी भी अपनी चाय का कप या कॉफी रख के अखबार उठाई हो, लेकिन आपने सोचो नहीं अखबार फारिग है, ये मैं वीडियो देख ले अखबार अच्छे को फारिग होती है उसे, लेकिन दूसरी जो फ्राइडे है कि आप वाइंड डाउन कर रहे हैं, आप सोने लगे हैं, आपके हाथ में कोई बड़े मजे का कोको का कप है और आप मजे से मतलब उससे पहले मैं कोई चीज आखिरी वीडियो देखनी है तो वो ये वीडियो हो सके, शो हो सकता है। तो आज फिर हम क्या करने वाले, मैं कहता हूँ कि हम स्टार्ट करते हैं बेसिकली, अभी रिसेंटली 2020 एंड हुआ है और इट वाज अ कह सकते हैं कि बहुत बड़ा एक जिसका मतलब असर गुजरा है लोगों की जिंदगी पे, इवन हमारी, हमने सीरियस बिल्कुल नहीं होना, तो आप लोगों ने नहीं होना, तो मैं मतलब जो मेरी टूर एकदम बनी थी ना, मैं गम में जाने लगा था, मैंने कहा अभी बस ना सीन ऑफ है मेरा, मगर नहीं हमने बिल्कुल भी नहीं जाना। तो खैर इस साल में बड़ी खुशियाँ भी थी, गम ज़्यादा थे, ठीक है, लॉकडाउन जो था वो
एक बहुत मेजर जिसने हमें हिट किया ना, कि आदत नहीं थी, हम लोग यंग हैं, हमें बाहर निकलने की आदत है, घर पे पूरा दिन हम बैठ नहीं सकते, और जब लॉकडाउन लगा तो बस एंड हो गई ना, हमने कहा बस खत्म है घर पे ना। वही बात है कि अब हम डिसाइड कर रहे थे, अब पता नहीं हम ये फैसला करते हैं या नहीं करते, लेकिन हम सोच रहे थे कि इस वीडियो का नाम बल्कि फाद का आइडिया था कि कभी खुशी कभी गम रखा जाए, और मेरे ख्याल से जो एक मूवी का नाम है, अगर आपने देखी हो, अगर नहीं देखी तो देखें, अच्छी मूवी है। ये मूवी का टाइटल कभी खुशी कभी गम आई थिंक बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को ना मतलब पर्सोनिफाई करता है, जो साल था कि कभी खुशी थी और जैसी खुशी थी तो जिंदगी में आया ऐसे कैसे बेटा, थोड़ा सा गम भी होना चाहिए। मतलब वही ना, मैं जिसने स्टार्ट करने लगा था कि 2020 का जो जनवरी था ना, मतलब वो मेरे लिए बड़ा ना डाउन सा था, थोड़ा सा ना मतलब इतना चेयरफुल नहीं था। यूनिवर्सिटी की ब्रेक आई, मतलब सेमेस्टर ब्रेक आई, नया सेमेस्टर स्टार्ट हुआ फरवरी में, तो हाँ अगर मैं देखा जाऊँ तो बर्थडे मेरी थी 14 फरवरी, मेरी बर्थडे होती है, आई नो वैलेंटाइंस डे, सो मतलब स्किप दैट पार्ट। तो उसका ये सीन है कि बर्थडे मेरी बड़ी अच्छी गुजरी, तो बर्थडे के बाद जो टाइम गुजरा मार्च तक का, कैसे ना गुजरे, मतलब वैलेंटाइंस डे बर्थडे बोली अच्छी गुजरी, सिंगल हो ना तो वैलेंटाइंस डे भी जाना हो, मतलब नथिंग मैटर्स ना, पढ़ देने तो बंदा बोलता है यार खैर है, एक दिन का नाम है बस, मेरी बर्थडे है, लोग प्रायोरिटी रखते हैं भाई वैलेंटाइंस डे, मैं प्रायोरिटी मेरी बर्थडे आ रही है, तो बर्थडे गुजरी, फिट सीन था। उसके बाद जरा यूनिवर्सिटी में ग्रुप वगैरह के साथ आउटिंग वगैरह, और मतलब वो वाहिद मेरा सेमेस्टर था जो आधा लॉकडाउन में गुजरा और आधा मतलब आधा नहीं कह सकते हैं, मतलब 1.5 मंथ यूनिवर्सिटी में गुजरा, बाकी सारा लॉकडाउन में गुजरा। ये वाहिद वो सेमेस्टर था जो मैंने इंतहाई नॉन सीरियसनेस के साथ गुजारा, ठीक है, डोंट जज मी, मैं अच्छा स्टूडेंट हूँ, मेरा जी पी ए वगैरह बड़ा अच्छा है, तो लेकिन वो जो यूनिवर्सिटी का टाइम था ना मेरा, लाइक उसमें यह था कि मेरे ना दो मेन काम थे जो मेरी पूरी क्लास को पता थे कि ये बंदा आएगा, उस समय मेरा होली का होता था, मेरे इतने बड़े बाल होते थे, ठीक है, दाढ़ी मैंने छोड़ दी थी और मेरी दाढ़ी ना प्रॉपर नहीं आती, बाल मतलब यार बड़ी मेहनत थी, 6 मंथ्स मैंने बाल बढ़ाए, मैं कोशिश कर रहा हूँ लंबे करने की, पता नहीं वीडियोस में वैसे सही प्रोग्रेशन नजर आएगा जब लंबे किए ना, तो मतलब यूनिवर्सिटी जाके मेरे दो काम होते थे, मैंने अपने ईयरबड्स लगाने या तो मैंने अपने एक दोस्त को देना है, और मैंने जाके सो जाना है, सर्दी होती थी जाके हीटर के पास बैठे हूँ, फहद साहब सोए हैं उठ ही नहीं रहे, पता ही नहीं है कि जी क्लास चल रही है कि नहीं चल रही है। मैं हैरान हूं कि लोग क्लास में किस तरह सो लेते हैं, मतलब मुझसे नहीं सोया जाता, सच्ची बात है, मैं आई डोंट थिंक, मैं भी सोचता था कि नहीं सो सकते लेकिन मैंने ये करके दिखाया। आप ये सोचते थे क्लास में कैसे सोचते हैं जब तक आप सो जाते हो, बेसिकली मैं क्योंकि मुझसे क्लास में नहीं सो जाता, खैर हम लोग जी अबीर वीडियो बना रहे हैं बेटा, मना किया है, मैं पहले प्यार से मना किया यार, अबीर क्या बताना चाह रही हूं, थोड़ा सा सोचने बस यही है, मैं आखिर में अजीब सा साल रहा, अच्छा बुरा गमशुदा या खुशियों से भरा, मतलब एक लफ्ज उसके लिए वो अजीब था क्योंकि बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स थे, तो आई थिंक 2021 के लिए हमें ना कि पेसिमिस्ट होना चाहिए, क्योंकि आपको नेचुरल होता है, आपको दुख सुख हो तो आप कहते हैं यार यू नो स्क्रू दिस, मैं आई एम आउट, ठीक है, लेकिन अच्छे नोट पे इसको शुरू भी करना चाहिए, और आई होप कि 2021 वैक्सीन वगैरह आ जाए, वो सारे कुछ चीज़ें तो फिट किस्म का ये होगा, तो ये है कि हम आपके साथ एक वादा छोटा सा ये कर सकते हैं, कोशिश करते हैं, मतलब वादा कर रहे हैं आप, वादे हम इतने वो लेकिन दो वीडियोस एटलीस्ट मतलब इन वन वीक आपको मिलेंगी, तो आप सब्सक्राइब करें, आप बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि यू डोंट मिस अ सिंगल एपिसोड, और आई होप आप इस जर्नी में हमारे साथ हो, 50 लोग देख रहे होंगे ना, इनमें से 20 आधे छोड़ के चले जाएंगे अभी तक से जा चुके होंगे, अगर आप अभी इधर हैं ना अभी तक से एंड तक हैं तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर आप अगर आप मैडम हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है, आप अभी तक से देख रहे हैं, मैं लेफ्ट बैठा हूँ ना, हाँ मेरे ख्याल नहीं स्क्रीन की लेफ्ट बैठा हूँ, राइट बैठा हूँ,
आई थिंक स्क्रीन की राइट पे बैठे। YouTube में मैं किधर नजर आऊंगा? मतलब YouTube पे तू राइट नजर आएगा। मैं राइट पे नजर आऊंगा। हां तो मतलब अभी तो लेफ्ट पे नजर आ रहे हैं तो यानी YouTube पे राइट पे नजर आएगा। इधर मैं लाइक करने भाई जान तूने अच्छा ये करने के लिए इतना लंबा जब क्या हुआ बेटा जब तेरा मुंह लाल हो रहा है तू मैच करे से वीक मुंह मैच एंगल सोच रहा ये मेमोरी कहां पे होगा एंगल भाई इधर होगा अगर मैं उल्टा हूं ना तो भाई समझ जाना इधर बस यार देखो सिंपल सी बात है या यहां होगा या यहां होगा ठीक है आपने बेल आइकन दबा देना है अभी सब्सक्राइब करना है और कमेंट करें हमने बाय द वे एक और चीज जो ओपन रखी है वो ये कि यार वीडियो बहुत लंबी होगी बस खत्म करते हैं हमने ओपन ही रखी है कि हमने नाम का शो कह रहा हूँ नाम उसके मारे भाई शो का नाम जो है ना वो हमने अभी डिसाइड नहीं किया हमने फॉर्मेट भी डिसाइड नहीं किया अभी वीडियो देखो इतनी लंबी होगी हमने सोचा था 10 मिनट पे रखेंगे तो मछली तेज बात करो तो ये कि वो आप कमेंट करें अगर आपको कोई नाम आपके जहन में अच्छा सा आता है हम दोनों की शक्लें देख के ठीक है कोई मतलब कुछ भी हो सकता है ना तो वो हमें बताएं और जो भी आपकी कोई सजेशन हो कैसा ये करो ये करो ये करो ये खाओ ये पियो ठीक है जाके डूब मरो जो जो मर्जी भी सजेशन हो वो आप हमें बताएं जस्ट ट्राइंग टू बी फनी मैन तो ये कि फिर हम आपको मिलते हैं आई गेस मंडे को जाएगी तो हम आपको मिलते हैं फ्राइडे फ्राइडे इंशाल्लाह तो तब तक खुश रहिए खामोश रहिए बहुत लेट हो गया ठीक है जी